मंच पर हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर बोरिया सर, साथ में हमारे सर बाकी बैठे हुए सर ट्रेनिस्ट और जो हमारे ग्रुप मेंबर, हमारा जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 3 पैसो परला, हमारे ग्रुप में हम सुबह यहाँ से अपनी जर्नी 7 बजे से स्टार्ट हुई, 8 बजे अपन वहाँ पे फील्ड में जो गांव हमारा खैरी था कर्मेश्वर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट नागपुर वहाँ पे हम सुबह सुबह गए। वहाँ जाने के बाद हमको सर ने थोड़ा पहले ऐसा कैसा रहना है उसके बारे में गाइड कर दिया था। जो हम जो हमारा जो ऐसा किया हमने क्वार्टर एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस इस पे हमने वहाँ पे ऐसा किया है। वहाँ पे जाके वहाँ पे देखा तो वहाँ पूरे फील्ड जो है वहाँ पे सबसे पहले हम गए वहाँ पे क्रॉस करके ऐसे एक्स टाइप वहाँ से हमने 5 प्लांट लिए। 5 प्लांट लेके वहाँ पे पूरा जो एक झाड़ है बिना हला है उसको ये करे पहले हमने उसका सकिंग पेस्ट और जो डिपेंडर है उनका काउंट किया। वहाँ उनका काउंट करने के बाद जो पूरे उनके जो हाइट है हमारे झाड़ की वो हमने वहाँ पे हाइट ली। बाद में उसका घेर लिया उनका कैनोपी ली और जो आज की डेट है 11/10/2023 और डेट ऑफ सोइंग है 24 जून 2023। आज की डेट की जो डेज है 106 106 दिन आज ये प्रॉप हुए है। उसके बाद जो वहाँ पे गए हम सबसे पहले पेस्ट ले पेस्ट में हमको सबसे पहले अमेरिकन बोलवर्म 1 मिले वहाँ पे एक झाड़ पे। सकिंग पेस्ट जो है एफिड 6 मिले, जैसिड 2 मिले, व्हाइट फ्लाई 5 मिले और बाद में इधर डिफेंडर में आए हम। डिफेंडर में लेडीबर्ड बीटल 2 मिले, स्पाइडर 2 मिले, ट्राइसोपरला के एग्स 3 मिले हमको और पेंटाटोमिड बग 1 मिला अडल्ट वहाँ पे। और बाकी की जो है ये मेरे साथी किशोर जी वो बताएंगे। इंपॉर्टेंट एग्रो इकोसिस्टम में अभी आपको पता है कि हमको माइक पेस्ट मिले क्या डिफेंडर्स मिले माइक माइक नहीं छोड़ो हम करो पेस्ट और डिफेंडर्स क्या डेमेज इसके बारे में डिस्कस हुआ है। प्लांट के बारे में थोड़ा सा बोल देते, उसकी हाइट जो थी 138 सेंटीमीटर थी, करीबन 106-107 दिन का क्रॉप था हमारा, उसकी क्रॉप क्या अभी 36 सेंटीमीटर थी और ये सारी चीज़ थी। और जो वहाँ का एनवायरनमेंट था, आज का सनी डे था तो 35-38 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होगा एग्जैक्टली ले पाए हम लोग। और सॉइल मॉइस्चर जो है जमीन का जो सॉइल मॉइस्चर था वो एडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर था यानी सभी सेट था। और अभी जो हमने डिसीजन लिया इस पे जो हमारे पास जो टेस्ट है अभी जो पेस्ट काउंट था हमें टोटल 13 सकिंग पेस्ट मिली थी, उसके अगेंस्ट हमें 8 डिफेंडर मिले। डिफेंडर में हमें लेडीबर्ड बीटल मिले थे 2, स्पाइडर मिले थे 2, क्राइसोपरला के 1-3 मिले थे और एक पेंटाटोमिड बग मिला था। और पेस्ट में सकिंग पेस्ट के साथ साथ हमें एक हेलियोथिस भी मिली थी। जो हेलियोथिस थी वो मेरे ख्याल से वो शायद जिस पेड़ पे हमें मिली थी जिस प्लांट में मिली थी वो शायद नॉन बीटी का प्लांट होगा इसलिए वहाँ पर हेलियोथिस मिली। जनरली अभी बीटी का जमाना है तो हेलियोथिस क्वार्टर पे आती नहीं है, नुकसान करती नहीं, इकोनॉमिक डैमेज करती नहीं वो। तो इसका अगर रेशियो देखा जाए तो पेस्ट के अगेंस्ट हमारे पास डिफेंडर सभी सेट है। पेस्ट और डिफेंडर का हमने जो पीडी रेशो बोलते हैं वो निकाला तो 1.62 पेस्ट के लिए हमारे पास एक डिफेंडर है जो मुझे लगता है सफिशियंट है। इसलिए हमने ये कंक्लूड किया है कि पेस्ट और डिफेंडर के रेशो के देखते हुए कि अभी फिलहाल कोई भी बॉटनिकल पेस्टिसाइड या केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आज जो सनी डेज था और आगे का थोड़ा सा प्रेडिक्शन देखिए वो सनी डेज रहेंगे तो शायद व्हाइट फ्लाई का अटैक बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रह के वहाँ पे ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग की जरूरत है और फिलहाल कोई पेस्टिसाइड की स्प्रे की जरूरत नहीं है। पेंटाटोमिक बग और स्टिंग बग हम लोग जनरली उसको सेम ही मानते हैं या कंफ्यूज होते हैं, तो उनका ऐसा मानना था कि पेंटाटोमिक बग थोड़ा सा अलग है स्टिंग बग से, क्योंकि स्टिंग बग जो है ग्रीनिश कलर का होता है और ये जो पेंटाटोमिड है ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर का या ब्लैकिश कलर का होता है। और दूसरी बात जो पेंटाटोमिड होता है उसकी जो शेप है तो ये कंधे हैं, जो कंधे वो स्ट्रांग होते हैं और कंधों पे दो स्टिंग होती है इसलिए उसको स्टिंग बग भी बोलते हैं, लेकिन वो पेंटाटोमिड होता है। तो हमारे पास एक हेलियोथिस है और एक पेंटाटोमिड जो मैनेज हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपका, कैसे रोल है